दक्षिण के सुपरस्टार कमल हासन के बाद रजनीकांत के राजनीतिक दल बनाकर अगले साल तमिलनाडु के चुनाव में उतरने की घोषणा से दिल्ली तक खलबली मच गई है। भाजपा कांग्रेस समेत स्थानीय पार्टियां गुणा भाग लगाने में जुट गई हैं। अब तक चुनाव AIDMK भाजपा गठबंधन बनाम DMK कांग्रेस गठबंधन के बीच माना जा रहा था। दक्षिण में भाजपा पैर जमाने की कोशिश में है। रजनीकांत की नई पार्टी के गठन की घोषणा से नया सियासी समीकरण नजर आ सकता है। उनसे पहले कमल हासन भी अपनी पार्टी मक्कल निधि मध्यम बना चुके हैं। राजनीति के जानकारों का कहना है कि दोनों बड़े अभिनेता गठबंधन कर तीसरी शक्ति भी बन सकते हैं। वहीं भाजपा भी रजनीकांत के साथ प्रत्यक्ष या पर्दे के पीछे सियासी गठजोड़ कर सकती है। वहीं इस मामले में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने पिछले दिनों तमिलनाडु में चुनावी तैयारियों के बीच स्थानीय नेताओं के साथ बैठक की थी। अब स्थानीय नेतृत्व से रजनीकांत की नई पार्टी गठन व उनकी तैयारियों को लेकर राहुल गांधी ने फीडबैक मांगा है। इसके अनुसार कांग्रेस आगे की रणनीति तय करेगी।